हर महादेव, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हर महादेव दोस्तों। तो आज ब्लॉग में कुछ न्यू होने वाला है दोस्तों। क्या? हाँ, क्या न्यू होने वाला है? आज ब्लॉग में कुछ न्यू दिखाने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्या नहीं? जो कि दिखा नहीं सकते क्या? दिखाइए, हम भी देखें। तो दिखाने ऐसा कौन सा कंटेंट है जो आप दिखाने जा रहे हैं न्यू? और अभी नहीं बेटा, अभी नहीं खाएंगे। लाओ मैं खोल दूँ। लो पापा जी, कुछ मीठा हो जाए, कुछ खट्टा हो जाए। आप भी खा लीजिए, मंगा के घर दुकान से। मैं तो बना लीजिए, पापा जी लो। आज फिर लड्डू बनाए थे हमारी मैडम जी ने, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है बेसन के लड्डू, तो इसे ना लेके आए क्योंकि आजकल प्रदूषण कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। अच्छा, आगे बोलिए। तो आप घर में बनाइए, स्वच्छ बनाइए बच्चों के लिए भी। अच्छा है, खाने में स्वादिष्ट भी होगा और स्वच्छ भी होगा, तो बच्चे खा के ऐसे बीमार भी नहीं पड़ेंगे। बाहर बाजार में आप कितना जानते हैं सेफ्टी होती है, उसके बावजूद ही। और मजा आ रहा है गाइस खाते हुए। ये लॉलीपॉप खा रहे हैं, ये लॉलीपॉप खा रही, वो बिस्किट खा रहा है, इसलिए दोनों में से किसी ने लड्डू नहीं लिया। लाडू नहीं लिया? तो स्पेशल क्या होने वाला था आज, हमें तो पता ही नहीं है। तो स्पेशल प्रदूषण। प्रदूषण गाइस बहुत स्पेशल। तो आज कुछ गेम खेल के दिखाएंगे हम लोग आप लोगों को गाइस। आज बहुत अच्छा गेम खेले दोनों में से कोई नहीं, आज बहुत सबसे 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 अलग खेलेंगे। तो बस दो मिनट का टाइम दीजिए और फिर आके बाद प्रसुद्ध होते हैं, आकर प्रदूषण करते हैं। प्रसुद्ध सीधा प्रशासन प्रसारण दिखाते हैं। देखिए ये लॉलीपॉप की डंडी है, देखिए सीधा प्रशासन करते हैं। लड्डू कृपया घर पे बनाइए, बाहर बहुत लड्डू में प्रदूषण। ओह हे भगवान, क्या होता है प्रदूषण? मतलब यही बेटा, कीटाणु उड़ते हैं और पोल्यूशन बोलती हो, वो प्रदूषण होता है। तो पोल्यूशन बोलती है पापा जी, प्रदूषण बोलते हैं। प्रदूषण ही तो होता है। हाँ, तो हम भी तो कह रहे हैं। तो पोल्यूशन एक ही बात होती है, पोल्यूशन प्रदूषण, मतलब इंग्लिश पोल्यूशन होता है, जैसे कि ये प्लास्टिक की बोतल वगैरह हुई और ये पन्नी हुई। प्रदूषण होता है जैसे बाइक का धुआं हुआ, धूल मिट्टी हुई। लड्डू में यही चीज आ रही है, बाइक का धुआं। तो लड्डू में क्या आया? बाइक का धुआं, प्लास्टिक की बोतल। तो लड्डू में क्या आया, कृपया करके आप जरा एक्सप्लेन करिए हमारे व्यूअर्स को कि प्लास्टिक की बोतल या धुआं आ गया बाइक का धुआं। दोनों चीजें आई। राइट। अब मखाना लड्डू, अब बिस्किट खाना है इसमें। ये ब्रांडेड चीज है, क्रीम वाला, मतलब विश्वास कर सकते हैं। ब्रिटानिया का
स्वीट ऑरेंज फ्लेवर बिस्किट है। खाना हम लोग खा गए हैं, बस सोचा कि थोड़ा हंसी मजाक कर ले, पर होता कुछ नहीं है दोस्त, बस खुशनुमा माहौल पैदा होता है इन चीज़ों से, और फैमिली अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं तो और भी अच्छा लगता है, अपने बच्चों के साथ टाइम भी मतलब स्पेंड कर लेते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बोला आपने आज, मेरे घर में प्रदूषण। तो दोस्तों हम लोग गेम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी अपनी आंखों पे पट्टी बांधेंगे, चांस नहीं मिलेगा, 5 बार चांस मुझे मिलेगा, तो हम लोग बताएंगे कि कौन सा शब्द या कौन सा वर्ड हम लोग लिख रहे हैं एक दूसरों के हाथों पे, तो जो भी ज्यादा बार बता देगा उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा, और विजेता घोषित के वाले को मिलेगा एक कप आइसक्रीम का। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आइए आपको स्वागत है। मुंह मत ना खोल। चलो दोस्तों आइए, ऐसे बांधो इतनी ईमानदारी, इंग्लिश में मत लिखना। सा खा खरगोश। अरे दो वर्ड की बात है। नल। वाओ। संध्या। नो गलत हो गया, गलत बात चांस हो रहा बस। संध्या। सुबह में साथ आया इसलिए संध्या हो गया, लेकिन सफेद आ रखा था। तो आपने 4 में से ओनली 2 करेक्ट किए। ओके क्या बारी इनकी है दोस्तों। रॉन्ग रॉन्ग सही हो ना? क्या था? Oh God! देखिए दोस्तों हार का नतीजा है ये, ये तो बस एक बहाना है, रियल बात ये है कि हार का डर है। देखिए दोस्तों देखिए, समय सही थी, कसके लिए कसके। कल 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 हेलो फिर से लिख। हल्का हो गया था मुझे। अच्छा अब शुरुआत से। कमल। यस। तो लगता है दोस्तों टाई टाई हो सकता है आखिरी ऑप्शन है ये। टाई नहीं होगा। अगर इन्होंने सही बता दिया है तो ठीक, नहीं तो फिर टाई भी हो सकता है। क्या ये सक्षम? रॉन्ग। आई द विनर, मैं हुआ इसका। अब चलो दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट मिलती है।
दोस्तों देखा जैसे कि मैच टाई हो गया है हम लोगों का, कोई बात नहीं, हम लोग पांच लोग हैं तो पांचों लोग आइसक्रीम खाएंगे, हम पांच टाई टाई आइसक्रीम पार्टी करेंगे। बच्चों की एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। सौम्य तुम भी बैठ जा, सौम्य तुम भी बैठ जा, बच्चों की एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, सौम्य बैठ जा तुम भी। आप चलिए उठिए और चलिए। ये चल रही है और ये खुल जाएगी चलेगी। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। Bye दोस्तों, हर महादेव, हर महादेव।